ईटा में दिवाली की रात 4 साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना निधौली कला के पिपहरा गांव में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के पिता की 8 माह पूर्व मौत हो चुकी है, जिसके चलते यह अनाथ बच्ची अपने चाचा के यहाँ रहती थी। मासूम बच्ची पिपहरा गाँव के प्राइमरी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती थी। मासूम बच्ची पिपरा गांव के प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ती थी और कल रात से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। मासूम के अचानक दिवाली की रात गायब हो जाने के बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। मासूम बच्ची के शरीर पर मिली चोटों से उसके साथ पहले दुष्कर्म किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। दुष्कर्म के बाद हत्या का हत्यारे ने बच्ची के शव को प्लास्टिक बैग में रखकर घर के बाहर फेंक दिया था। आज सुबह बच्ची का शव घर के बाहर मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच में जुट गए। SSP का कहना है कि बच्ची के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और शव को PM के लिए भेजा जा रहा है। हमारे घर से तो यहाँ भीड़ थी कमरे में जी, और यहाँ पर स्कूटर की वहाँ बॉडी पड़ी थी, वहाँ पर कहाँ पर नाद में उसमें बॉडी पड़ी थी, सुड़ी की फिर वहाँ देखा तो चाचा आए थे घर से चाचा आए कैटरिंग के लिए, तो उन्होंने देखा यहाँ लड़की है, तो उन्होंने घर से वहाँ पहुँचाया, घर पर पहुँचाया, फिर भीड़ थी कुछ लोगों ने कुछ मालूम नहीं पड़ाया। क्यों उन्होंने क्यों आत्महत्या कर ली? चली गई थी बता रहे हैं, उसी के उस आक्रोश में आकर के 20-25 दिन हो गए। तो इन बच्चों के ऊपर कौन था अभी? कोई लापरवाही नहीं करता ऐसे, इनकी कोई घर में कोई था इनकी देख रेख करने? पूरा मामला ये, वो घर पे रात 9-10 बजे तो घर पे सोई थी कमरे में जी, उसके बाद उसे रेप करके उसके बाद उसे नाद में डाल दिया गया, जो भैंसों की चारा फाड़ा होता है उसमें डाल दिया गया जी। सुबह लोगों ने देखा तब मालूम पड़ा, ये उसके चोट के निशान है, उसमें निशान है उसके प्राइवेट पार्ट पर जी, प्राइवेट पार्ट पर जी। असल बच्ची है, मासूम बच्ची है, हाँ स्कूल में जाती थी। कौन सी स्कूल? प्राइमरी है हमारे यहाँ पे, प्राथमिक विद्यालय है। किस क्लास? पहली क्लास में है। नहीं नहीं सर, ऐसी मालूम पड़ रही नहीं इस चीज़ को, अभी तो पता लग पाया कौन? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं पता लगा, लेकिन जांच होगी तो मालूम पड़ जाएगा। CU साहब है, कप्तान साहब भी आए हैं यहाँ पर, और इंस्पेक्टर साहब भी हैं, सब लोग आए हैं, हमारे पत्रकार महोदय भी सब लोग आए हैं यहाँ पर। फिलहाल पुलिस ने मासूम की हत्या के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सनसनीखेज घटना के बाद SSP ने घटना के जल्द खुलासे की बात कही है। देखिए पिपरा गांव में निधौली कला में सुबह रिपोर्ट हुआ है कि एक लड़की है जिसका नाम अयोध्या है, डॉक्टर ऑफ कॉलेज, ये इनका बता रहे हैं कि रात के टाइम पर एक डेड बॉडी यहाँ पर एक प्लास्टिक बैग में मिली थी जी, और उसमें चोट के निशान हैं, तो बॉडी को PM के लिए भेजा गया है जी। अब आगे इसमें मुकदमा पंजीकृत करके टीम्स बना दी गई और आगे इसमें अभी कार्रवाई की जाएगी। एज ऑफ नाउ सर्टेन नहीं है, बॉडी में इंजरी के निशान तो हैं, तो PM रिपोर्ट इसकी एक बार हो जाए तो जो स्टैंडर्ड कार्रवाई है, सारे अधिकारी जो हैं सीनियर अधिकारी भी मौके पर हैं, और उसमें जो सही कार्रवाई होगी वो की जाएगी, यदि कार्रवाई की जाएगी जल्दी केस का खुलासा किया जाएगा। थैंक यू। एटा से टाइम्स सिटी न्यूज़ के लिए गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट। ये है टाइम्स 18 न्यूज़, खबर